उत्तराखंड में 20 दिन में 14 स्टार प्रचारकों की 97 सभाएं, पीएम मोदी समेत केंद्रीय नेताओं ने भरी हुंकार। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। पिछले 20 दिनों का ही परिदृश्य देखें तो इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के 13 केंद्रीय नेताओं की वामन सभाएं हुई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 45 सभाओं को संबोधित किया। केंद्रीय नेताओं की सभाओं का क्रम 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर रैली से हुआ। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 11 अप्रैल को ऋषिकेश में हुई थी। उत्तराखंड में लोकसभा की केवल 5 सीटें हैं, लेकिन भाजपा के लिए यह बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है। चुनाव प्रचार अभियान में जिस तरह से भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों को झांक के रखा, वह इससे साबित होता है कि पिछले 20 दिनों का ही परिदृश्य देखें तो इस अवधि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत पार्टी के 13 केंद्रीय नेताओं की वामन सभाएं हुई, जबकि मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी ने 45 सभाओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत अन्य बड़े नेताओं की सभाओं में भी मुख्यमंत्री ने संबोधन किया। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत अन्य स्टार प्रचारकों ने प्रदेश के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में छोटी बड़ी सभाओं व अन्य कार्यक्रमों में भाग लेकर माहौल बनाने का काम किया। भाजपा ने अपनी चुनावी सभाओं का सिलसिला 29 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह धामी के थराली व पुरोला के दौरे से शुरू किया। पीएम मोदी की रुद्रपुर रैली से शुरू हुआ सभाओं का क्रम। भाजपा के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के अनुसार 29 मार्च से 17 अप्रैल तक की अवधि में मुख्यमंत्री ने 5 लोकसभा क्षेत्रों में 45 जनसभाओं को संबोधित किया। पार्टी के तमाम केंद्रीय नेताओं की सभाओं में वे शामिल रहे। केंद्रीय नेताओं की सभाओं का क्रम 2 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रुद्रपुर रैली से हुआ। प्रधानमंत्री की दूसरी रैली 11 अप्रैल को ऋषिकेश में हुई थी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 4, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की 3, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की 1, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 4, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 1, केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की 4, शांतनु ठाकुर की 3, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम की 16, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की 3, भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा की 3, बिहार के कैबिनेट मंत्री शाहनवाज हुसैन की 7 और सांसद मनोज तिवारी की 1 सभा हुई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री कोठारी ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं संबोधित की। इसके अलावा वे बड़े नेताओं की सभाओं में भी शामिल रहे। यही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल, निशंक व तीरथ सिंह रावत, राज्य सरकार में मंत्री सतपाल महाराज, प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल, डॉक्टर धन सिंह रावत, गणेश जोशी, रेखा आर्या व सौरभ बहुगुणा, भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री दीप्ति रावत, प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल समेत अन्य स्टार प्रचारकों ने भी विभिन्न क्षेत्रों में सभाएं की। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।